हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फार्मा गुरुजी चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लिए सब्सक्राइब और बगल वाले घंटे को दबा दीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो आज के वीडियो में हम दोस्तों आपको बताएंगे पीले से पीले दांत को कैसे मोती जैसे चमकाएं मात्र 2 मिनट के अंदर। तो बने रहिए वीडियो में। क्या होता है आज कल भाग दौड़ की जिंदगी में अपने दांतों का हम केयर नहीं कर पाते हैं और हमारे दांत पीले पड़ जाते हैं जो देखने में अच्छा नहीं लग सकता है। इसका रीजन क्या है कि हम लोग टोबैको, तंबाकू, सिगरेट, गुटखा ऐसे खाते हैं और इसी वजह से दांत हमारे पीले पड़ जाते हैं। लेकिन तो अपने दांतों का हम केयर प्रॉपर नहीं कर पाते हैं जो कि मुंह से बदबू भी आने लगता है और मुंह में दांतों में पीलापन पड़ जाता है। तो आज में कुछ हम बताएंगे घरेलू नुस्खे जिससे आप अपने दांतों को एकदम मोती जैसे चमकते हुए पाएंगे मात्र कुछ ही मिनट के अंदर। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और हमारे चैनल को एक लाइक कर दीजिएगा ताकि हम आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देते रहें। तो चलिए, इसके लिए हमको रिक्वायरमेंट होगा इनो और एक बाउल और लेमन और थोड़ा सा बेकिंग सोडा, और इन चारों इंग्रेडिएंट को हम लोग इसमें बाउल के अंदर मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले क्या लेना होता है गाइस, सबसे पहले हम स्मॉल अमाउंट में बेकिंग सोडा ले लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको बेकिंग सोडा बहुत ही आसानी से कहीं भी मिल सकता है, किसी भी जनरल स्टोर वगैरह पे। और थोड़ा सा हम ले लेते हैं कोलगेट। कोलगेट आप कोई सा भी ले सकते हो, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा हम कोलगेट ले लेंगे। और उसके बाद हम लोग ऐड कर देंगे थोड़ा सा इनो। इनो गाइस देखिए, अगर अवेलेबल हो तो ठीक है, नहीं हो अवेलेबल हो तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा स्मॉल क्वांटिटी में हम इसको इनो को ऐड कर देंगे। और इसके बाद जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट होता है गाइस, वो होता है हमारा लेमन जूस। लेमन बहुत ही हेल्प करता है हमारे वाइटनिंग टीथ में हेल्प करने के लिए। तो इसमें हम लोग लेमन का जूस लेंगे थोड़ा सा, और लेमन में हमारी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज पाई जाती है, इसमें एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो आइए गाइस, हम इसमें कुछ लेमन ले लेते हैं, लेमन के कुछ बूंदे ले लेते हैं, जैसे कि और देख रहे हैं ऐसे थोड़ा सा पबाला बन सकता है। तो उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। और एक बार हम और बता देते हैं आपको इंग्रेडिएंट क्या क्या लेना होता है गाइस। तो सबसे पहले आपको लेना होगा गाइस बेकिंग सोडा, और स्मॉल क्वांटिटी में इनो आप ले लीजिए, और थोड़ा सा कोलगेट ले सकते हैं स्मॉल क्वांटिटीज में, और लेमन का रस। और इसको प्रॉपर अच्छी तरीके से आप लोग मिक्स कर दीजिए। और ये क्या करेगा, जब आप इसको अप्लाई करेंगे इसके बाद आप एक ब्रश ले सकते हैं, और ब्रश पे इस पर स्मॉल क्वांटिटीज लेके अब लगातार कंटिन्यूस 1 मिनट रगड़ते रहिए। ये हमारे दांतों को इतना, देख सकते हैं अभी दिखने में भी वाइट लग रहा है, दांतों को इतना वाइट बना देता है, एकदम मोती जैसे चमकने लगते हैं हमारे दांत। तो इसको आप 1 मिनट दांतों पर रगड़िएगा, ना कि मसूड़ों पर, जहाँ जहाँ आपका पीलेपन पड़े हैं वहाँ वहाँ पहले आप इसको यूज कीजिए, और आपको दांतों को बना देगा 1 मिनट में एकदम मोती जैसे चमकदार। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर इससे जुड़ी और भी आपको जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और एक लाइक कर दीजिएगा। और इससे जुड़ी कोई भी आपको अगर जानकारी चाहिए या कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आज की वीडियो हमने इतना बताया कि दांतों को कैसे चमकाएं। तो तब तक के लिए थैंक यू।